हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 15.5 स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे आपने 15.4 में स्टार्टिंग में थ्योरम्स को अच्छे से समझ लिया था तो आपको एक्सरसाइज बहुत आसान लगा था, उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग थोड़े से जो थियरम्स दिए हुए हैं, है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड जो क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं, अगर उसका बेसिक हमारा क्लियर रहेगा तो हमें आगे के जो क्वेश्चन हैं ना बहुत ईजी लगेंगे। तो आइए मैं आपको जल्दी से थियरम समझा देता हूँ। पहला थियरम ये है कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, पहले वो समझ लो कि कभी भी एक सर्कल बना हुआ है और उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है, और वो क्वाड्रिलेटरल इस तरीके से है कि उसके जो कॉर्नर्स हैं ना, ये जो वर्टेक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, वर्टिसिस जो बोलते हैं, ये वर्टिसिस सर्कल से सटे हुए होने चाहिए। जैसे देखो, ए भी सर्कल से सटा हुआ है, बी भी सर्कल में सटा हुआ है, सी भी और डी भी। तो इस टाइप से जो क्वाड्रिलेटरल होता है इसको ही साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, कुछ खासियत होती है, विशेषताएं होती हैं। जैसे कि पहला विशेषता, द अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, यानी कि जो अपोजिट एंगल्स होंगे ना वो हमेशा सप्लीमेंट्री होंगे। एंगल ए को और एंगल सी को जब आप प्लस करोगे तो 180 डिग्री आएगा, उसी तरीके से बी में अगर डी को प्लस करोगे तो भी 180 डिग्री आएगा। ये पहला प्रॉपर्टी है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। ये दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं, तो जो दूसरा वाला प्रॉपर्टी है वो पहले प्रॉपर्टी को ही कन्वर्स करके दे दिया गया है, उल्टा करके दे दिया गया है। अभी हमने क्या सीखा कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। अब यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि अगर सम ऑफ एनी पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180, यानी कि किसी भी पेयर, यानी कोई भी अगर हमारे पास क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, उसका नाम साइक्लिक नहीं रखा हुआ है, बस क्वाड्रिलेटरल है, अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल ऐसा है जिसका अपोजिट एंगल का जो सम है ना वो 180 डिग्री है, तो वो क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। पहले वाले में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था तो अपोजिट एंगल्स 180 थे, इसमें बोल रहा है कि अगर अपोजिट एंगल्स 180 हैं तो वो साइक्लिक हो जाएगा, बस उसी को उल्टा करके बोल रहा है। उसी तरीके से प्रॉपर्टी नंबर जो 3 और 4 है वो भी सेम टू सेम है, बस उल्टा कर दिया गया है। 3 में क्या बोल रहा है कि इफ वन साइड ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज प्रोड्यूस, अगर एक साइड को आगे बढ़ा दिया जाए तो देन द एक्सटीरियर एंगल, तो जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो इक्वल हो जाएगा इंटीरियर अपोजिट एंगल के। आपको मैं डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कौन से एंगल की बात की जा रही है। देखो यहाँ पर ये हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था, इसके एक साइड को बढ़ाया गया तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा ना, ये इंटीरियर में अंदर में जो अपोजिट वाला एंगल होगा, ये देखो ये अपोजिट एंगल्स कहलाता है, जैसे यहाँ पर जो एंगल बनता है उसका अपोजिट में ये वाला है ना, उसी तरीके से इसका भी अपोजिट इंटीरियर एंगल यही कहलाएगा। तो इंटीरियर वाले का अपोजिट एंगल जो होगा उसके बराबर होगा, यानी कि जो एंगल बी बन रहा है बाहर में और ये जो एंगल डी अंदर में बन रहा है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। और उसी तरीके से प्रॉपर्टी नंबर 4 भी है इसी को उल्टा करके, कि अगर एक्सटीरियर एंगल किसी क्वाड्रिलेटरल का इक्वल है इंटीरियर अपोजिट वाले एंगल के, तो जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो साइक्लिक होगा। इज दैट क्लियर? दोनों सेम टू सेम प्रॉपर्टीज थी। तो ये 4 प्रॉपर्टी हमको दिए हुए हैं बबुआ, इसको अच्छे से समझ लो और इससे ही हमारे जितने भी क्वेश्चन है ना अभी मेरे 15.5 में वो बनने वाले हैं। आइए सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को अब। तो देखो, जो पहला क्वेश्चन है 15.5 का, इसमें बोल रहा है कि अगर आप फिगर को, इस वाले फिगर को देखिएगा जो यहाँ पर बना हुआ है, इसमें ए बी सी एक ट्रायंगल है, देखो इस तरीके से ट्रायंगल बना हुआ है, और वो कैसा ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इज दैट क्लियर? इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या खासियत होती है, तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, और तीनों जो एंगल होते हैं 60-60 डिग्री के होते हैं। अब हमसे बोल रहे हैं फाइंड बी ई सी, यानी कि ये वाला जो एंगल है इसे फाइंड कीजिए। आइए कैसे फाइंड करना है मैं आपको कॉपी में समझा दूँ। तो देखो यहाँ पर हमने डायग्राम बना लिया है, एक चीज़ ध्यान रखना कि क्वेश्चन में गलती से इसमें प्रिंट जरूर हो गया कि ये 60 डिग्री है, लेकिन क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि हमारा जो एंगल ए है वो 60 डिग्री, वहाँ पर बस ये बोला गया था कि ए बी सी हमारा जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा ना तो हो सकता है टीचर इसको हटा दें, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। तो इसको आप लोग ऐसे लिखिएगा कि ट्रायंगल बना के ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसलिए हमारा जो एंगल ए होगा, जो एंगल बी होगा और जो एंगल सी होगा, तीनों जो होंगे वो 60 डिग्री के होंगे। ओके, एंगल ए हमारा 60 डिग्री का है। अब लिखोगे आप लोग कि क्वाड्रिलेटरल ए बी ई और सी, देखो ए बी ई सी जो क्वाड्रिलेटरल है इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हम लोग जानते हैं अपोजिट एंगल्स आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं, तो इसीलिए हमारा जो एंगल ए होगा प्लस में ये वाला एंगल जिसका नाम हमें क्वेश्चन में बी ई सी रखने को कहा गया था, दोनों का सम 180 डिग्री होगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। तो यहाँ पर से हमारा एंगल ए का वैल्यू 60 डिग्री है, तो 60 प्लस एंगल बी ई सी हो जाएगा इक्वल टू साइड में 180,
तो यहाँ से हमारा जो एंगल बी ई सी है वो हो जाएगा 120 डिग्री। 60 इधर जाकर के क्या होगा, माइनस हो जाएगा, इधर प्लस में है तो इसलिए हमारा जो बी ई सी एंगल होगा वो 120 डिग्री का होगा ये वाला एंगल। तो बेसिक सा क्वेश्चन था, बाकी हाँ ये वाला हमने इस तरीके से इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में ये गिवन नहीं था ना कि एंगल ए जो है वो 60 डिग्री का है, वो हमें डायग्राम में मिसप्रिंट हो चुका होगा, हो सकता है या फिर गलती से दे दिया गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, दिया रहे ना दिया रहे आपको तो समझ में आ ही गया। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। सो सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि इन फिगर, ये वाला जो फिगर बना हुआ है इसमें ट्रायंगल पी क्यू आर जो है वो एक आइसोस्केल ट्रायंगल है। आइसोस्केल ट्रायंगल यानी कि दो साइड इक्वल होंगे, तो ये रहा पी क्यू और आर, ठीक है, इस ट्रायंगल की बात की जा रही है। इसमें हमसे बोल रहा है कि पी क्यू और पी आर इक्वल है, ये वाला साइड और ये साइड इक्वल है, और पी क्यू आर जो है वो 35 डिग्री का है। यहाँ पर जो कंप्लीट एंगल बन रहा है पी क्यू आर वाला वो 35 डिग्री का है, तो फाइंड क्यू एस आर, आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है क्यू एस आर वाला, और क्यू टी आर यानी कि ये वाला एंगल फाइंड करना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, अगर आपने पिछला एक्सरसाइज पढ़ा होगा ना तो तुरंत बन जाएगा। ये बनाते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने डायग्राम बना लिया है, सबसे पहले आप चीज़ों को समझना कि हमारा जो पी क्यू आर है ये क्या है, आइसोस्केल ट्रायंगल जिसमें ये वाला साइड और ये साइड इक्वल है। तो हम लोग क्या जानते हैं, अगर दो साइड्स इक्वल है तो अपोजिट के जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, यानी कि पी क्यू आर जो एंगल होगा हमारा पी क्यू आर वो इक्वल हो जाएगा पी आर क्यू के, तो एंगल पी आर क्यू के बराबर होगा। तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 35 डिग्री का होगा, तो इक्वल टू आप 35 डिग्री निकाल लो। अब इस वाले एंगल को फाइंड कर लो, तो इस ट्रायंगल के अंदर दो एंगल हमको पता चल गया। मैं इस वाले एंगल का नाम डायरेक्ट एंगल पी रख देता हूँ, फिर इसका नाम पी क्यू आर ही रखना पड़ेगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और इसका नाम पी आर क्यू रख देते हैं, ठीक है, ये वाले का। तो तीनों का जो सम होगा 180 डिग्री हो जाएगा, इज दैट क्लियर, क्योंकि ये एंगल सम प्रॉपर्टी कहता है, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो ये 35 और ये 35 है, तो एंगल पी प्लस में 35 प्लस में 35 इक्वल के उस साइड में 180 हो गया, तो 35 और 35 70 हो जाएगा, 70 उधर ट्रांसफर कर दो तो एंगल पी का वैल्यू आ जाएगा, तो 180 माइनस में 70, सो एंगल पी इक्वल टू हो जाएगा 110 डिग्री का। अब देखो जो हमारा एंगल पी है, ये वाला जो एंगल है, और जो यहाँ पर एंगल बन रहा है जिसका नाम क्यू एस आर दिया हुआ है, ये दोनों सेम सेगमेंट में बने हुए हैं। Q और R वाला जो लाइन है उसके द्वारा ही तो एंगल P भी बना हुआ है और एंगल S भी बना हुआ है, तो हम लोग क्या जानते हैं, सेम सेगमेंट वाले एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर आप लिखो डायरेक्ट इसको कि जो हमारा एंगल P है वो इक्वल है एंगल QSR के, और दोनों जो होंगे वो 110 डिग्री के होंगे, यानी ये वाला एंगल भी 110 डिग्री का होगा। और क्यों होगा, तो एंगल ऑन सेम सेगमेंट, पिछले बार एक्सरसाइज में जैसे लिखते थे ना वैसे डिटेल में लिख लेना, मैं यहाँ पर बस शॉर्टकट में सेम सेगमेंट लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये एंगल निकल गया। अब हमारे पास जो पी क्यू टी और आर है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो बस अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री कर दो। तो यहाँ पर फिर से लिखो आप लोग कि नाउ पी क्यू आर टी है ना इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसीलिए हमारा जो एंगल पी होगा अगर उसमें हम लोग प्लस करते हैं ये टी वाला जिसका नाम हमें क्वेश्चन में क्यू टी आर लिखा हुआ था, तो दोनों का जो सम होगा 180 डिग्री आ जाएगा। P का वैल्यू 110 है प्लस में एंगल QTR हो गया इक्वल को साइड में 180, तो यहाँ से QTR का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 माइनस में 110 इक्वल टू 70 डिग्री, यानी कि जो हमारा एंगल QTR है वो 70 डिग्री का है। तो इस तरीके से आपको इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो देखा आपने जो पिछला एक्सरसाइज अगर आप अच्छे से पढ़ के आओगे तो यहाँ पर आपका टाइम आराम से बच जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपके पास ये जो फिगर बना हुआ है 190 वाला, इसमें O हमारा सर्कल का सेंटर है, BOD जो हमारा एंगल है इधर वाला एंगल ये 160 डिग्री का है, तो हमें X और Y के वैल्यू फाइंड करने हैं। यहाँ पर Y बना हुआ है और यहाँ पर X बना हुआ है, तो पहले हम लोग पिछले वाले एक्सरसाइज में अगर इसको सॉल्व करते तो एक एंगल जो हमारा वो फटाक से निकल जाता है ना, यहाँ पर हमारा एंगल जो बना हुआ है और यहाँ पर जो एंगल बना हुआ है हम लोग इसको आपस में कंपेयर कर लेते हैं, और फिर उसके बाद फिर हम लोग रिवर्स वाला एंगल निकालते हैं, पीछे वाला जो एंगल उसको निकाल करके सॉल्व करते हैं। लेकिन अब चूंकि हम लोग को साइक्लिक क्वाड्रेटर पता चल गया है, इसीलिए अगर हमने एक्स का या वाई का किसी भी एक का वैल्यू निकाल लिया तो दूसरे का वैल्यू सप्लीमेंट्री वाला रूल से निकल जाएगा। तो ये वाला यही फायदा होता है, जब आप आगे बढ़ते जाते हो ना तो चीज़ों को सॉल्व करने में आसानी होती है। और एग्जाम में जब इस टाइप से क्वेश्चन है तो उसमें ये मत सोचना कि 15.4 का या 15.5 का है, जो इजी मेथड होगा आप वो यूज़ करना, ठीक है। मान लो अगर ये क्वेश्चन 15.4 का होता तो यहाँ पर हम लोग के पास अगर ये एग्जाम में आ जाए तो हम लोग को अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के बारे में पता चल ही गया है, तो हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटर वाले रूल से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, आइए सॉल्व करें। तो देखो यहाँ पर हमने डायग्राम बना लिया है, हमने 15.4 में एक थ्योरम आपको बताया था, जो पहला थ्योरम था, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि किसी भी आर्क के द्वारा जब सर्कल के सेंटर में कोई एंगल बनाया जाता है
और फिर उसी आर्क के द्वारा किसी दूसरे पॉइंट में जब कोई एंगल बनाया जाता है तो ये जो एंगल होता है ना सेंटर वाले एंगल का आधा होता है। ये हमने थ्योरम नंबर 1 पढ़ा हुआ था, तो यहाँ पर मैं डिटेल में थ्योरम नहीं लिखने वाला हूँ, बहुत टाइम वेस्ट होगा। मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको, इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग कि जो हमारा एक्स है ना वो इक्वल है इस वाले एंगल के आधा के, यानी कि हाफ ऑफ एंगल बी ओ डी के। तो एक्स का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल 160 डिग्री। तो एक्स का जो वैल्यू होगा वो यहाँ से 80 डिग्री निकल जाएगा, 2 का टेबल में 8 टाइम पे हमारा 16 आता है और 0 उतर जाएगा। तो एक्स का जो वैल्यू है वो 80 डिग्री डायरेक्टली निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं सेम आर्क वाला बस शॉर्टकट में मैं सेम आर्क लिख देता हूँ, आप लोग पूरा डिटेल में लिखिएगा ना जब एग्जाम में आएगा। तो अब हमारे पास x का वैल्यू निकल गया है, यहाँ पर y है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला यूज़ कर देंगे हम लोग। यहाँ पर लिखेंगे कि a b c d इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसीलिए हमारा जो x होगा और जो y होगा दोनों का सम 180 डिग्री आ जाएगा। x का वैल्यू 80 है तो y का वैल्यू हो जाएगा 180 माइनस में 80, तो यहाँ से y का जो वैल्यू होगा वो 100 डिग्री निकल करके आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व करना है। पिछला वाला जो रूल आपने याद किया है उसको यूज़ करो, और अभी वाला रूल याद किया है जो उसको यूज़ करो, दोनों का यूज़ करोगे तो फटाफट सॉल्व होगा। सो फोर्थ क्वेश्चन भी आपको रीड करने की जरूरत नहीं है, आपको डायग्राम से डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ये एंगल और ये एंगल दे दिया गया है, हमें ए डी बी नाम का जो एंगल है ए डी बी ये वाला एंगल इसे फाइंड करना है। तो बस ट्रायंगल का यूज़ करेंगे, ये एंगल 70 डिग्री है ही, ये वाला एंगल निकाल लो, ये 100 है तो ये हमारा 80 का होगा। तो यहाँ पर आप लिखो कि ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसीलिए जो एंगल ए होगा और एंगल सी होगा अपोजिट एंगल्स दोनों का सम 180 होगा। तो यहाँ पर हमारे पास एंगल सी का वैल्यू दिया हुआ है, तो एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस में एंगल सी, और एंगल सी कितना दिया है 100 डिग्री दिया है, तो माइनस में 100 डिग्री कर दो, तो एंगल ए का जो वैल्यू होगा वो 80 डिग्री आ गया। अब आप लोग ट्रायंगल को पकड़ लीजिए, तो इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी के अंदर हमारा एंगल ए प्लस में ये एंगल बी का नाम ए बी डी होगा, तो एंगल ए बी डी रख दो इसका नाम, और प्लस में इस वाले एंगल का नाम हमें क्वेश्चन में ए डी बी दिया हुआ है, तो तीनों का सम 180 डिग्री होता है एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा हमारा 80 प्लस में ए बी डी हमारा 70 दिया ही हुआ है, ए डी बी का वैल्यू अपने को निकालना है, इक्वल के उस साइड में 180 हो गया। तो 80 और 70 कितना होता है 150, तो 150 को उधर ट्रांसफ़र कर दो, तो ए डी बी इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस में 150 डिग्री, तो यहाँ से हमारा जो ए डी बी है वो निकल करके आ जाएगा 30 डिग्री का। इस तरीके से आपका क्वेश्चन में फोर्थ भी कंप्लीट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन के पास बढ़ा जाए। सो क्वेश्चन में 5 में बोल रहा है कि फिर से ए बी सी डी जो आपको दिख रहा है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए डी पैरेलल है बी सी के। यहाँ पर पैरेलल वाला भी चीज़ आ गया, तो ए डी ये वाला एंगल, बी सी ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। अब हमसे बोल रहे हैं कि प्रूव कीजिए एंगल बी और एंगल सी इक्वल होगा, ये वाला एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल प्रूव करना है। बहुत ही बेसिक सा नॉलेज आपको होना चाहिए पैरेलल वाले लाइन का, और फिर ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये कॉपी में समझा दें। सो यहाँ पर हमने डायग्राम बना लिया है, अब जल्दी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, इसका मतलब एंगल ए का और एंगल सी का जो सम होगा एंगल ए प्लस एंगल सी अगर करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। साथ ही साथ हमारा एंगल बी और एंगल डी जो हम लोग प्लस करेंगे, एंगल बी प्लस में एंगल डी, तो भी हमारा 180 डिग्री आएगा, अपोजिट एंगल्स साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में इक्वल होते हैं। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब अपन पकड़ते हैं पैरेलल वाला लाइन। हमको बोला गया था कि ए डी जो है वो पैरेलल है बी सी वाली साइड के, ये वाला साइड और ये साइड आपस में पैरेलल है। हम क्या जानते हैं, कभी भी दो पैरेलल लाइन होते हैं उसको कोई ट्रांसवर्सल कट करे तो सेम साइड में जो एंगल बनता है अंदर में उसको बोलते हैं कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं और को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं। और ये जो होते हैं आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि एंगल ए और एंगल बी क्या होंगे, आपस में सप्लीमेंट्री होंगे। तो यहाँ देखो आप लोग, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री होगा, और क्यों हो रहा है, क्योंकि आपस में ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स हैं इसीलिए। साथ ही साथ सी और डी भी को इंटीरियर एंगल होंगे, तो एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री यहाँ पर भी हो जाएगा, और सेम रूल की वजह से हो रहा है ये भी। इसको इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लो। ठीक है, अब अपन कौन कौन से एंगल पकड़ सकते हैं, आप लोग पकड़िए ए सी यहाँ पर है और यहाँ पर सी डी है, तो दोनों में सी सी आर है ना, तो इसको पकड़िए आप। इक्वेशन नंबर इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 कर दीजिए, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर अपन ऐड करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एंगल ए प्लस एंगल सी है ना प्लस एंगल ये वाला सी है और फिर यहाँ पर डी है, तो एंगल सी प्लस में हमारा एंगल डी हो जाएगा।
ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास इधर भी 180 था और यहाँ पर भी 180 था, सॉरी इक्वेशन टू गलती से लिखते हैं यार, इक्वेशन फोर है नहीं, एक्चुअल में इक्वेशन वन का और फोर का यूज़ कर रहे हैं अपन। हम लोग को देखो बी और सी को आपस में इक्वल प्रूव करना था, तो जहाँ जहाँ पर सी है ना मैंने उसको लेने की कोशिश किया हुआ है। इक्वल की उस साइड में हमारा 360 हो जाएगा 180 और 180 प्लस हो करके, ठीक है। और इसको अगर अपन ऐड करें तो ये हमारे पास हो जाएगा एंगल ए प्लस में टू एंगल सी और प्लस में एंगल डी इक्वल उस साइड में 360 डिग्री आ गया। इसको आप इक्वेशन नंबर फाइव ले लीजिए थोड़ी देर के लिए। हमने वन और फोर को ऐड किया, उसी तरीके से अब टू और थ्री को ऐड करेंगे। यहाँ पर भी बी है और यहाँ पर भी बी है, तो फिर अब लिखो इक्वेशन टू प्लस इक्वेशन नंबर थ्री करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, वहाँ पर एंगल बी प्लस एंगल डी है इक्वेशन टू में, और थ्री में क्या है एंगल ए प्लस में एंगल बी है। इक्वल के दोनों साइड फिर से वही 180 180 मिल करके 360 डिग्री बना लेंगे। तो यहाँ पर बी और बी ऐड हो जाएगा तो टू एंगल बी हो जाएगा प्लस में एंगल डी प्लस में एंगल ए उतार दो इक्वल को साइड में 360 हो गया। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सिक्स। अब आप लोग क्या करो, फाइव और सिक्स को कंपेयर कर दो। यहाँ पर भी 360 डिग्री है और यहाँ पर भी 360 डिग्री है, यानी कि अगर राइट वाला इक्वल है तो लेफ्ट में जो चीज़ें हैं वो भी क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। तो आप लोग इसको ऐसे लिखोगे शॉर्टकट में कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फाइव एंड इक्वेशन नंबर सिक्स, हमारा राइट वाला इक्वल है तो लेफ्ट वाले को डायरेक्ट इक्वल लिख दो आप लोग। तो इसके लेफ्ट में क्या है एंगल ए प्लस टू एंगल सी प्लस एंगल डी, ये इक्वल हो जाएगा इसके, यानी कि टू एंगल बी प्लस में एंगल डी और प्लस में एंगल ए के। तो देखो यहाँ पर भी एंगल ए है, यहाँ भी एंगल ए है, कैंसिल कर दो क्योंकि इसको अगर इधर ट्रांसफर करूँगा तो माइनस हो जाएगा, इससे डायरेक्ट कैंसिल कर दो। उसी तरीके से डी से डी को कैंसिल कर दो, टू से टू को कैंसिल कर दो, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल बी आ गया। तो एंगल सी इक्वल टू एंगल बी लिखो या फिर एंगल बी इक्वल टू एंगल सी लिखो, बतिया एक ही है और यही तो अपने को प्रूव करना था। तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव प्रूव। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बनाया है इसलिए इतना लंबा चौड़ा बन गया। आप जब इसको शॉर्टकट तरीके से बनाओगे ना, जैसे कि मान लो इसको एक ही इक्वेशन में ले लोगे क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रेटर है, को इंटीरियर एंगल वाले को भी एक ही इक्वेशन में बना लोगे तो आपका और जल्दी बन जाएगा। बाकी डिटेल में बनाओ ताकि कॉन्सेप्ट आपका भी क्लियर रहे और मज़ा आ जाए टीचर को चेक करने में। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखो सिक्स वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस फिगर में ध्यान दीजिए, यहाँ पर ए बी और सी डी ये दोनों डायमीटर हैं इस वाले सर्कल के, सेंटर से होकर के गुजर रहा है यानी कि डायमीटर ही होगा। अब हमसे बोल रहा है कि अगर ओ बी डी 50 डिग्री का है ये वाला एंगल, तो ए ओ सी यानी कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। इसका एकदम ईजी ट्रिक है, अगर आपने पिछला वाला एक्सरसाइज थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा होगा तो वहाँ पर भी आपको सिमिलर डायग्राम याद आ रहा होगा, ऐसे डायग्राम आपने वहाँ पर सॉल्व किए हैं। आप लोग देखो हमारा जो ए और डी है, अगर मैं थोड़ा सा इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं, तो ये वाला जो मेरा आर्क आपको दिख रहा है, ए डी वाला जो आर्क दिख रहा है, इस ए से निकल करके ओ पर एंगल बना है ना, डी से और ए से मिल करके ये एंगल ओ पर बना है। उसी तरीके से ए को आगे बढ़ाया गया बी तक और डी को भी आगे बी तक बढ़ाया गया, तब ये वाला एंगल बना है। इसका मतलब कि हमारा सेम आर्क वाला यहाँ पर भी रूल फॉलो हो जाएगा, सेम आर्क से यहाँ पर सर्कल में एंगल बन रहा है सेंटर में और यहाँ पर दूसरे जगह पर एंगल बन रहा है, तो ये वाला जो एंगल होगा सेंटर वाले एंगल का आधा हो जाएगा। तो अगर ये एंगल निकल गया तो इधर वाला एंगल ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो बस इसको आप डायरेक्ट लिखो कि हमारा जो ए ओ डी है, ठीक है ना, ये वाला एंगल एंगल ए ओ डी एंगल बी का डबल हो गया। फिर इसको लिखो आप लोग, इस वाले एंगल को लिखो कि हमारा जो एंगल ए बी डी है, एंगल ए बी डी वो क्या होगा, आधा हो जाएगा इस वाले एंगल का, सेंटर वाले एंगल का। यही हमारा रूल कहता है, ए ओ डी का आधा हो जाएगा, हमको तो ए ओ डी का ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, इस आधा को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे। इसका वैल्यू 50 डिग्री है, हाफ को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा, ये 2 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे चला जाएगा, जिसको लिखने की ज़रूरत है नहीं। इक्वल के उस साइड में ए ओ डी बचेगा, तो यहाँ से हमारा जो एंगल ए ओ डी है वो 100 डिग्री का हो गया। सिंपल, कितना आसान था, ठीक है ना। यहाँ पर मैं शॉर्टकट में सेम आर्क लिख देता हूँ, सेम आर्क से आप लोग समझ जाना कि जो हमारा पहला वाला थ्योरम था 15.4 एक्सरसाइज का, वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब ये एंगल मिल गया तो ये एंगल मिल ही जाएगा, क्योंकि हमारा ये क्या था, सी डी डायमीटर था, यानी कि डायमीटर क्या होता है, स्ट्रेट लाइन के द्वारा बनता है, घूम के थोड़ी बनता है। यहाँ पर हम लिखेंगे कि सी डी इज़ स्ट्रेट लाइन, ये क्या है, एक सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन में अगल बगल वाले एंगल को लीनियर पेयर कहते हैं। तो इसीलिए हमारा जो ए ओ डी है प्लस में जो हमारा ए ओ सी है, दोनों का जो सम होगा वह 180 डिग्री होगा, जिसको अपन लीनियर पेयर के नाम से जानते हैं। ओके, तो ए ओ डी का वैल्यू 100 है, तो बस ए ओ सी जो होगा वो हो जाएगा 180 माइनस में 100, ये वाला 100 उधर जाकर के माइनस हो गया, तो हमारा एंगल ए ओ सी जो है वो यहाँ से 80 डिग्री हो जाएगा। बस खत्म ये वाला क्वेश्चन भी, ये एंगल 80 डिग्री का। तो सबसे ईजी तरीका ये है, अगर आपने पिछले एक्सरसाइज को पढ़े रहेंगे ना तो आप आसान तरीका जान जाओगे किसी भी क्वेश्चन को बनाने का। चलो अब अगला जो क्वेश्चन है हम लोग उसको भी एकदम आसान मेथड से बनाने की कोशिश करते हैं। सो
तो सेवन्थ क्वेश्चन में कोई डायग्राम तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन बहुत ही आसानी से बोल दिया है कि एक सेमी सर्कल है जिसमें हमारा साइड जो डायमीटर है वो ए बी है, यानी कि डायमीटर ए बी के द्वारा एक सेमी सर्कल बन रहा है जिसमें एक पॉइंट सी हम लोग लेते हैं और इस तरीके से लेते हैं कि जो हमारा सी ए बी एंगल बनेगा वो 30 डिग्री का होगा। तो बताइए ए सी बी और ए बी सी कितनी डिग्री के होंगे। तो पहले तो मैं डायग्राम बनाता हूँ इसका, तब आपको इसको समझ में आएगा ये क्वेश्चन में क्या कहा जाए। तो देखो क्या बोला जा रहा है कि एक ए बी नाम का डायमीटर है उससे एक सेमी सर्कल बना हुआ है। अब इस सेमी सर्कल में कहीं पर एक पॉइंट सी पकड़ लीजिए आप लोग और वो सी पॉइंट इस तरीके से होगा कि सी ए बी जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री का होगा, है ना। एंगल सी ए बी हमारा 30 डिग्री का ये क्वेश्चन में गिवन है। हमसे बोल रहा है कि ए सी बी यानी ये वाला एंगल और ए बी सी यानी कि ये वाला एंगल, इन दोनों को फाइंड कीजिए। बहुत ही आसान है। हमने क्या सीखा था पिछले एक्सरसाइज में कि कभी भी सेमी सर्कल के द्वारा जब एंगल बनता है तो वो कैसा होता है, राइट एंगल होता है, यानी ए के द्वारा सी में जा रहा है और बी से सी में जा रहा है, यानी कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो राइट एंगल ही बनेगा, ये रूल कहता है। तो हम लोग लिखेंगे कि हमारा जो एंगल ए सी बी होगा वो इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री का, क्योंकि ये सेमी सर्कल वाला एंगल है, एंगल ऑन सेमी सर्कल। ठीक है, मैं शॉर्टकट में सेमी सर्कल लिख देता हूँ, आप लोग समझिए कौन सा थ्योरम यूज़ कर रहे हैं। तो पिछले एक्सरसाइज वाला थ्योरम यूज़ कर रहे हैं, है ना। मैं देखो बार बार डिटेल में थ्योरम इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इन चीज़ों को हमने पहले भी पढ़ रखा है, एक एक बार मैं पहले भी आपको पिछले एक्सरसाइज में समझा चुका हूँ। तो अगर आपने वहाँ पर वीडियोस नहीं देखे होंगे तभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बाकी फिर भी मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ओरली समझाने का, रिटन में टाइम बचा रहा हूँ आपका भी और अपना भी। तो ये हमारा 90 डिग्री का हो गया, बस अब ट्रायंगल को पकड़ लो। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी के अंदर हमारा एंगल सी ए बी ये वाला एंगल, प्लस में हमारा ए वाला एंगल ए सी बी, और लास्ट में जो हमारा एंगल ए बी सी बचा, इन तीनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। इसका वैल्यू 30 दिया हुआ है, इसका वैल्यू हमने 90 निकाल लिया, प्लस में एंगल ए बी और सी इक्वल टू साइड में 180 हो गया, 90 30 120 आ जाएगा। तो ए बी सी इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस में 120, तो हमारा जो एंगल ए बी सी है वो यहाँ से 60 डिग्री हो जाएगा, यानी ये एंगल हमारा 60 डिग्री का है। यहाँ पर भी ऐसे बक्सा में डाल दो इसको और इसको भी ऐसे बक्सा में डाल दो, दो एंगल हम लोग को पूछे गए थे दोनों हमने फाइंड कर लिए। सो एट्थ क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है जिसमें ए बी और सी डी दो साइड्स पैरेलल हैं, एंगल बी का वैल्यू 70 डिग्री दिया हुआ है, तो फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स। तो देखो यहाँ पर हमने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लिया है जिसमें हमारा ये वाला साइड ए बी और ये वाला जो साइड आपस में पैरेलल है, साथ ही समय क्या बोला गया था कि एंगल बी जो है वो 70 डिग्री का है। तो बस हम लोग एंगल डी फट से फाइंड कर लेते हैं, हम लोग जानते हैं दोनों आपस में सप्लीमेंट्री होंगे। तो लिख दो आप लोग यहाँ पर ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है इसीलिए एंगल बी प्लस में एंगल डी जो होगा वो आ जाएगा 180 डिग्री, एंगल बी का वैल्यू 70 है, तो एंगल डी कितना हो जाएगा 180 माइनस में 70, ये बी इधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो एंगल डी की जो वैल्यू होगी 110 डिग्री हो जाएगी। सॉरी यार क्या लिख रहा हूँ मैं, 180 में 70 माइनस होगा तो 110 आ जाएगा, तो एंगल डी का वैल्यू 110 आ गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग को ए बी और ये सी डी आपस में पैरेलल बोला गया था, तो बस फाइंड कर लो जल्दी से पैरेलल लिख करके। यहाँ पर लिखो आप लोग कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, इसीलिए हमारा जो एंगल ए होगा और प्लस में एंगल डी होगा दोनों आपस में सप्लीमेंट्री होंगे, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स हैं, कंजिक्यूटिव भी लिख सकते हो आप लोग, तो को इंटीरियर एंगल्स इसीलिए हो गए। तो एंगल डी का वैल्यू पता है 110, उसको तो ट्रांसफर कर दो, तो एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस में 110, तो एंगल ए का जो वैल्यू होगा वो 70 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, एंगल ए निकल करके आ गया। अब आप एंगल नंबर सी को, ये आपका मैं होमवर्क देता हूँ, आप दोनों तरीके से निकाल सकते हो, या तो आप लोग इन दोनों को इंटीरियर एंगल कर दो या फिर यहाँ पर इन दोनों को आप लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ले लो, दोनों तरीके से सेम ही आएगा क्योंकि ये भी तो हमारा 78 डिग्री निकला है ना। तो यहाँ पर अगर आप इसको सप्लीमेंट्री लोगे तो भी ये 110 डिग्री आएगा, अगर इसको सप्लीमेंट्री लेते हो तो भी ये 110 डिग्री आएगा। इज दैट क्लियर? तो एंगल सी रहेगा आपका होमवर्क, इसको आप लोग खुद से निकाल लीजिएगा। चलिए चलो अगला जो क्वेश्चन है नाइन्थ वाला हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। सो नाइन्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है जिसमें एंगल ए जो है ना वो एंगल सी का 3 गुना है, यानी कि एंगल सी में जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तब एंगल ए निकलता है, तो बताइए एंगल ए जो होगा वो कितने डिग्री का होगा। तो फिर से यहाँ पर सप्लीमेंट्री वाला रूल लगाएंगे और ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो देखो हमने रफली एक डायग्राम बना लिया है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, ये एंगल ए है और ये एंगल हमारा सी है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, हर बार ये चीज़ लिखना है बस आपको और उसी आपका काम हो जाएगा। अब हमारा एंगल ए और एंगल सी जो होंगे इनका जो सम निकल करके आएगा 180 डिग्री हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल है। एंगल ए को बोला गया था कि ये एंगल सी के 3 गुना है, यानी एंगल ए जो है ना इसे लिखा हुआ था ना एंगल ए इक्वल टू 3 एंगल सी, तो हम लोग एंगल ए के बदले में क्या लिख देंगे
थ्री एंगल सी लिख देंगे एंगल ए के बदले में, क्योंकि ये दोनों तो बराबर हमको क्वेश्चन में गिवन था, प्लस में एंगल सी पहले से दिया हुआ है, इक्वल के उस साइड में 180 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 एंगल सी इक्वल के उस साइड में 180, तो एंगल सी का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से 180 डिवाइड बाई 4। सो एंगल सी विल बी 4 के टेबल में 4 जा 16 हो गया, 2 आगे जाएगा तो 20 बना देगा, तो 4 जा 20 हो गया, यानी कि हमारा एंगल सी 45 डिग्री का है। तो बस एंगल ए निकाल लो, एंगल ए क्या था, 3 एंगल सी था ना, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई एंगल सी यानी कि 45 डिग्री। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो एंगल ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 जा 15 का 5 कैरी हो गया 1, 3 जा 12 और 1 13, यानी कि 135 डिग्री का हमारा एंगल ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट, एक लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो में कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, उसके बाद जो क्वेश्चन बचेंगे ना उसको हम लोग अगले वीडियो में बनाएंगे। चलिए बाबू जल्दी से 10th वाला क्वेश्चन बनाते हैं। सो 10th वाले क्वेश्चन में इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ है और सिंपल चीज़ों में हमसे बताया गया है कि O हमारा सेंटर है सर्कल का, साथ ही साथ यहाँ पर जो एंगल बना है वो 50 डिग्री का है, तो आपको X और Y फाइंड करने हैं। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। अब कनेक्ट करो, X को 50 से कनेक्ट करो तो आराम से कनेक्ट हो जाएगा। ये D से X पर गया लाइन और B से यहाँ पर गया, यानी कि ये जो हमारा DB जो हमारा आर्क है उसके द्वारा सर्कल के सेंटर में एंगल बना है, और उसी तरीके से D को आगे ले जाया गया और B को आगे ले जाया गया, तो यहाँ पर 50 डिग्री का बना है, यानी ये दोनों एंगल सेम आर्क से बने हुए हैं। और हम लोग जानते हैं कि जब सेम आर्क से बनता है तो सेंटर वाला जो एंगल होता है वो डबल हो जाता है दूसरे जगह पर बनने वाले एंगल के। तो हम लोग लिखेंगे कि हमारा जो एंगल X होगा वो इक्वल हो जाएगा इस वाले एंगल के, जिसका नाम क्वेश्चन में क्या बोला गया था भाई, नाम कहाँ गया, 10th वाला क्वेश्चन में DAB रखा गया था, इस एंगल का नाम DAB, ठीक है। या फिर आप इसको X पहले मत लिखो, आप इसको DOB ही लिखो पहले। एंगल DOB जो है वो इक्वल है इस वाले एंगल के डबल के, यानी कि डबल हो जाएगा हमारे एंगल DAB के। तो DOB यानी कि हमारा X हो गया, यहाँ पर 2 हो जाएगा और DAB का वैल्यू हमें 50 दिया हुआ है, यानी कि जो X का वैल्यू होगा वो 100 डिग्री का हो जाएगा। यहाँ पर आपको मैं शॉर्टकट में सेम आर्क वाला लिख देता हूँ कि यहाँ पर हमारा सेम आर्क से बना हुआ एंगल था, इसीलिए ये वाला रूल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। कौन सा सेम आर्क था, तो ये BD नाम का जो आर्क है ना उसके द्वारा हो रहा था। एक्स का वैल्यू निकल गया। अब आप लोग बी सी डी ओ या फिर बी ओ डी सी जो है ये वाला क्वाड्रिलेटरल नहीं यार, लेकिन ये वाला क्वाड्रिलेटरल अगर पकड़ेंगे तो हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो यहाँ पर ये बन नहीं रहा है। हाँ तो ये तो हमारा साइक्लिक नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ से तो साइक्लिक बन रहा है ना, ए बी सी डी जो है वो साइक्लिक है, तो उसका यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लिखो कि ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास यहाँ पर ये वाला एंगल के अपोजिट में ये एंगल है, इस एंगल बी के अपोजिट में एंगल डी है, तो हम लोग को इनका जरूरत ही नहीं है, हमको तो इन दोनों का ही जरूरत है। तो ये अपोजिट एंगल्स आपस में सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि एंगल जो हमारा डी ए बी दिया हुआ है वो इको सप्लीमेंट्री हो जाएगा इस वाले एंगल का, जिसका नाम हमारे पास बी सी डी रख सकते हैं अपन। तो एंगल बी सी डी दोनों का सम हो जाएगा 180, डी ए बी का वैल्यू हमें दिया हुआ है 50 डिग्री, और बी सी डी के बदले हम लोग वाई लिख सकते हैं, यहाँ पर वाई लिखेंगे इक्वल टू 180 हो जाएगा, और डी ए बी जो इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा 50 डिग्री, तो वाई का जो वैल्यू है यहाँ से 130 डिग्री निकल करके आ जाएगा। तो बस इस तरीके से आपके जो क्वेश्चंस हैं बहुत आसानी से सॉल्व होंगे, ये मैंने आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक्स बताए हैं, और इन मेथड से ही सॉल्व करो, एग्जाम में टाइम भी बचेगा और मज़ा भी आएगा मैथ सॉल्व करने में। चलिए बाबू आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पर जो आगे क्वेश्चंस बचे हुए हैं ना उनको भी हम लोग इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करना सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके।